अब खबर विकासनगर से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने आज सहसपुर स्थित सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने साफ सफाई से लेकर डॉक्टर, स्टाफ, मरीज और तीमारदारों से व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाई। अस्पताल में मौजूद डिलीवरी वार्ड की स्थिति का जायजा लेने के बाद शौचालय की दुर्दशा देख मुख्य विकास अधिकारी अस्पताल प्रशासन पर भड़क गए। इस दौरान एक डॉक्टर से अस्पताल से अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने अस्पताल प्रशासन को जल्द व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। अनुपस्थित डॉक्टर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन भी मौजूद रहे। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे कुछ हमें आ रही थी कि यहाँ पे कुछ अनियमितताएं थी, तो उसी क्रम में आज डीएम सर के भी निर्देश थे, तो मैंने आज यहाँ पे सीएचसी सहसपुर है, इसका औचक निरीक्षण किया है। तो बेसिकली कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, जैसे टॉयलेट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, तो इनको इमिडिएटली हमने बोल दिया है कि ठीक करेंगे इसको। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स, एक डॉक्टर्स हैं जो वहाँ मिले नहीं, तो उनको हमने स्पेशली उनकी सैलरी रोकी जाएगी और उनके स्पष्टीकरण लिया जाएगा। और जो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें समस्याएं हैं, जैसे मेडिसिन्स का जो प्रॉपर स्टॉक नहीं था कहीं कहीं पे, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिया है, उसमें हम तत्काल कार्रवाई करेंगे।